तो भाई इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो है हमारा वैक्सपोल का 2-in-1 क्लींजर प्लस पॉलिश। सबसे पहले तो मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया है। वैक्स जितनी भी हैं, वैसे तो इस पे वैक्स वगैरह कहीं लिख नहीं रखा, पॉलिश ही लिख रखा है। रिस्टोर ओरिजिनल शाइन सिग्नेचर ऑफ क्वालिटी क्लींजर प्लस पॉलिश, तो क्लींजर प्लस पॉलिश ही कह लो इसको। कुछ भाई हैं जो वैक्स भी कहते हैं, एक भाई ने मुझे वैक्स कह के ही इसका रिव्यू करने के लिए कहा था, तो भाई का कमेंट आया था तो काफ़ी अच्छा था। वैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसका रिव्यू करने का, लेकिन मैंने सोचा चल करता हूँ। ऐसा कहता एक भाई का, उन्होंने बताया था एक भाई ने कि मेरे जो फादर हैं वो अपनी RX 100 पे यूज़ करते थे इस प्रोडक्ट को, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। तो वो पूछ रहे थे कि भाई आज की डेट में ये प्रोडक्ट कैसा है, तो फिर उसी पर्पज़ से मैंने सोचा यार इसका रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें, मैंने वे इस प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ कर लिया है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, तीन चार लड़कों से यूज़ करवाया है। सबसे पहली बात तो ये, मुझे जब इसकी पैकिंग मिली तो मुझे इसके अंदर रस्ट देखने को मिला। ये देखो सामने दिख रहा है ऊपर, अभी ना कोई एक्सपायर हुई है तब भी, मतलब मैंने बॉक्स ओपन नहीं करा था, मेरे को सामने रस्ट दिखाई दिया। मैंने कि यार ये चीज़ गलत है। तो अब करें सबसे पहले पैकिंग की बात। इतनी बड़ी पैकिंग दी है जिसकी कोई नीड नहीं थी। अब ये भी तो एक पैकिंग है, वैक्स की है एक पैकिंग है। इसमें आपको दिखाऊं मैं, इसमें इसमें मटेरियल जो है उसका वेट है 269 ग्राम, मतलब 270 ग्राम मान लो। और यहाँ एक इतना बड़ा डिब्बा दे दिया है इसके कंपैरिजन में देखो, जिसके अंदर वेट है 250 ग्राम। जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी अंदर इसके अंदर कम मिल रहा है। और साइज़ देखो इसका, ये नीचे प्लास्टिक दे दिया। इसकी नीड क्या थी, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ा ढक्कन दे दिया, ये दे दिया फोम, देखो फोम का पैड। फोम की पैड की बात करें, फोम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका। नॉर्मल फोम है एक, वो जो वैक्स के साथ आता है, इसमें कहीं लिख भी नहीं रखा कि ये वैक्स है। बाकी एज अ वैक्स ही यूज़ करते हैं सब इसको, पर इसमें लिख नहीं रखा कि ये वैक्स है। इसमें क्लींजर प्लस पॉलिश लिख रखा है, तो वैक्स पॉलिश वाला ही आपको एप्लीकेटर दिया है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, ना इससे एप्लीकेशन अच्छी होती है। अब बात करें इसके क्लींजर की, कोई इसके अंदर कोई क्लीनिंग ऐसी नहीं है कि यार आपके जो डीप स्क्रैच, कुछ डीप क्या मतलब छोटे मोटे स्क्रैच हैं वो हैं वो हटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। इसका प्रॉपर वर्किंग बिल्कुल वैक्स वाली है। जैसे वैक्स का काम है एक ग्लोज देना, थोड़े बहुत स्वेल मार्क्स को हिडन कर देना, सिर्फ टेम्परेरी 1 month के लिए, बस वही इसका काम है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई क्लीनिंग फालतू है जो आपकी गाड़ी पे रबिंग वगैरह की नीड को पूरा कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बात करें इसके प्रोडक्ट की और प्राइस की। प्राइस मैं बताऊं, मेरे को प्राइस इसका पड़ा है अराउंड अराउंड क्या एम आर पी इस पे 465, और मेरे को 420 का ये अराउंड ये पड़ा है, 400 420 के अराउंड। तो दिखने में तो ऐसा आया था कि जैसे इसमें आधा किलो 500 ग्राम भर रही है वैक्स साइज, लेकिन जब खोल के देखा और वेट देखा तो ये कुछ नहीं है, इतना ही है। अब बात करें इसकी, जो मटेरियल इसके अंदर दिया गया है, चलो मैं लगाते लगाते आपको बता देता हूँ इसकी एप्लीकेशन, इसकी क्या किसी भी वैक्स की एप्लीकेशन कैसे करनी है क्या है, क्यों मैं इसको ये लगा। वैसे तो मैं इसको लगा के अप्लाई करके दिखाता ना, लेकिन एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई टर्टल वैक्स है जो, उसका कंपैरिजन आप 2-in-1 जो ये क्लींजर पॉलिश आती है वैक्स पोल की, इसके साथ कंपैरिजन करो। तो इसके कंपैरिजन के रिगार्डिंग मैं दोनों को अप्लाई करूँगा और देखते हैं दोनों में से किसका रिजल्ट, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है। हम इसको अप्लाई करते हैं ना, सबसे पहले जो इसके अंदर कमी मिली है मुझे, ये देखो अप्लाई करोगे ना तो ये दूसरों दूसरी वैक्सीज की तरह हल्का हल्का नहीं आएगा, वो हल्की हल्की लग के आती हैं, ये पहले तो निकल के आएगा पूरा भर के। इसमें मटेरियल इतना ज़्यादा वेस्ट होता है ना, ये देखो इसकी फोम की वर्किंग में फोम भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, और इसमें जब लगा रहे हैं ना तो इसमें हमारी वेस्टेज बहुत जा रही है। अब ये देखो, अब इसकी हम इतनी अप्लाई करने के लिए इतना मैंने ज़्यादा ही लगा दिया ये, लेकिन जब हम इसको इससे वो करेंगे ना अपना स्प्रेड करेंगे वैक्स के, इससे ये जो ये है ये हार्ड पड़ रहा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, इससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और अगर ढंग से देख, आपको मैं दिखाऊंगा पास से भी, ये अब
बाकी वैक्सीज होती हैं वो बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह चलती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखो यहाँ पे ये हर बिल्कुल ड्राई चल रहा है, बिल्कुल ड्राई। इसमें बस ये मन करता है कि थोड़ी सी और लगा, थोड़ी बार बार हर बार करता है, थोड़ा थोड़ा और लगा, कम पड़ रही है। इसमें एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा वेस्टेज होती है, ये देखो पैड चल ही नहीं रहा इसके ऊपर। ये लो आप देख रहे हो, ये चीज़ आगे मैं क्या सबमिट करूँ। ये फॉर्म देखो, फॉर्म पर नज़र रखो, फॉर्म देखो कैसे हो रहा है, देखो देखो कैसे फॉर्म चिपक रहा है, देख रहा है। पास से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो, ये देखो फॉर्म जब हम इसको ऐसे करना चाह रहे हैं ना, क्लोज अप शॉट देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे जाएगा क्या प्रॉब्लम है इस वैक्स के साथ। ये देखो, देख रहे हो कैसी सूख गई है, इसके ऊपर ड्राई हो गई है, और इसके ऊपर ये पैड है हमारा, ये ऐसे चल रहा है, ये देखो चल ही नहीं रहा ये। और इसमें बार बार ये रहता है कि यार इसको और, देखो 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 क्या सूख गया ये, ये देखो कैसे सूख गया ये। पता नहीं लोग इसकी रेटिंग 4 स्टार 3 स्टार कैसे, 4 स्टार भी कैसे दे रहे हैं, ये क्या है ये, देख रहे हो ये होती है वैक्स। अब ये देखो कहीं पे लग रही है कहीं पे नहीं लग रही है, ये लगाते ही हार्ड हो जाता है। मैं इतने पोर्शन में कर रहा हूँ, वैसे सलाह तो मेरी पूरी गेट की थी पर हिम्मत नहीं है मेरी इसको, लड़के भी लड़कों को भी जब भी इसको वैक्स को अप्लाई करने के लिए कहते हैं ना, वो कहते हैं भाई भैया इसको वैक्स को अप्लाई मत कराओ, कुछ भी करवा लो। ये कहते हैं कि यार इसमें जान को पूरा टाइम लगता है डबल और मेहनत हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये देखो सब चीज़ पक रहा है इसमें, ना ये साली फॉर्म काम की है ना ये वैक्स काम की है। तो भाई अगर किसी भाई का लेने का प्रोग्राम बन रहा हो तो भाई बिल्कुल भी मत ले, घटिया प्रोडक्ट है, एकदम बकवास प्रोडक्ट है, इसके चक्कर में मत पड़ो। हाँ, और जिस भाई का रिक्वायरमेंट, जिस भाई की एक डिमांड थी कि इसका कंपैरिजन देखना है वैक्स दूसरी के साथ, तो मैं दूसरी भी आपको टर्टल का भी मैंने रिव्यू बना दिया है, आप देख सकते हो। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टर्टल वैक्स का क्या रहता सीन, ठीक है भाई। अब ये पोर्शन बच गया हमारा, इस पोर्शन पर तो हमसे जैसी लगी लग गई, अब ये पोर्शन बच गया, इस पर हम करेंगे अपनी टर्टल की वैक्स यूज। अब ये देखो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी प्लास्टिक की, वो पैकिंग। आप चाहे जितना, अगर 2 साल की एक्सपायरी है इसकी, 2.5 साल की जितनी भी एक्सपायरी है इसकी, मैं कह रहा हूँ आपका प्रोडक्ट ख़राब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम गाड़ी जो नॉर्मली जब भी वॉशिंग करते हैं तो वेट कुछ ना कुछ पानी गिरा देते हैं वैक्स की डिब्बी पे, या फिर किसी गीले क्लॉथ के साथ रख देते हैं, माइक्रोफाइबर के साथ कुछ कैसे भी लगा लो, फोम के साथ कैसे गीला कर देते हैं, रस्ट हल्का सा पानी गिर जाता है, रस्ट पकड़ लेता है। इसमें वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। बाकी इसका मैंने रिव्यू कर दिया, इसका रिव्यू आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब जैसे ये वैक्स ली मैंने, थोड़ी सी ली, अभी देखो उसकी, ये देखो कितनी सी ली है, उसके कंपैरिजन में कितनी कम लगाऊंगा ये देखना। अभी देखो ली, ये देखो कोई दिक्कत आई कैसी भी, इसको बोलते हैं वैक्स। अब वो जो चीज है ना, वो तो अपनी समझ से ही बाहर है भाई, क्या है वो सामान। मैं कह रहा हूं मैंने उस पे 5 टाइम ज्यादा लगा दी, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे जो मैंने यूज करी है अपनी, ये कहां है ये पड़ी, ये जो मैंने यूज करी है 5 टाइम ज़्यादा लगा दी है उसकी हालत पे देखो, सरफेस पे कैसे सारे रफ रफ जम गई है, पूरी इतनी ज़्यादा लग गई है, वो स्प्रेड ही नहीं हो पाई। ये ऐसे हुई जैसे बटर की तरह, एक पोर्शन पे लगाई और धीरे धीरे फैलाते गए, पूरी पोर्शन फैल गई, चाहे फॉर्मूला हो गई, चाहे 3M हो गई, या फिर ये टर्टल हो गई। इनकी एप्लीकेशन आप शेड में करो, ठंडे एरिया में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टर्टल की थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके कंपैरिजन में भी देख सकते हो आप इसकी मैंने कितनी जल्दी कर दी। और वहाँ पे वाली देखो क्या हाल हुआ इसका, सूख गई है। अब तुम्हें क्या लग रहा है इसको छुटाने में, ये देखो इसको छुटाने में और मेहनत करनी पड़ेगी अभी। और यहाँ पे जो है इसका देखो कितनी फिनिशिंग में लगी है, बाकी करेंगे इसको भी उतारेंगे और देखेंगे इसके कंपैरिजन भी करेंगे क्या रहता है दोनों में से, भाई की डिमांड है तो पूरी तो करनी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा वैक्स पोल है ना, इसने ना टाइम के साथ अपने प्रोडक्ट में
चेंजेस नहीं करे, 15 मिनट के बाद इसको हम माइक्रोफाइबर से क्लीन कर लेंगे और कंपैरिजन भी कर लेंगे दोनों का, कंपैरिजन में क्या रहा, किसका रिजल्ट अच्छा रहा। जब वैक्सीज वगैरह जब भी भाई करो ना, तो हमेशा गाड़ी पहले क्लीन करो, वॉशिंग करो उसकी, उसके बाद यूज़ करनी है। नई गाड़ी पे यूज़ कर सकते हो। भाई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि नई गाड़ी पे यूज़ कर सकते हैं, भाई ब्रांड न्यू शोरूम से लाने से पहले अपने वैक्स करो, फिर घर लाओ, कोई इशू नहीं है। कितनी बार भी करो, दिन करो, रात करो, सुबह करो, शाम करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्स से एक प्रोटेक्शन लेयर ही डिपॉजिट होनी है उसके ऊपर, वो जमती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान वाली बात कुछ नहीं है, फ़ायदा ही रहेगा जो भी रहेगा। इसको मैं क्लीन करके एक बार माइक्रोफाइबर से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में से किसका रिजल्ट बढ़िया है। तो भाई हो गया अपना रिमूव करने का टाइम, मैंने 15-20 मिनट की जगह 25-30 मिनट छोड़ दिया था इसको। अब सबसे पहले इसकी रिमूविंग देखो, थोड़ी हार्ड पड़ रही है मेरे को, जैसे ड्राई हो जाती है ना इस टाइप में। देखो जितना यार गाड़ी पे बेशक आप ये देख, माइक्रोफाइबर चल नहीं रहा इसके ऊपर, इतनी मेहनत बेमतलब की होती नहीं है अपने से, वो भी बेमतलब की। लो जी उतर गई भाई। ग्लोव्स की बात करें तो भाई ग्लोव्स में कोई कमी नहीं है, मेरे को दिख रही है वो चीज। ग्लोव्स तो मान के चलो आपकी 9 out of 10 है, ग्लोव्स बढ़िया है भाई, ग्लोव्स में कोई इशू नहीं है अपने को। अब ये देखो कितनी जल्दी उतर गई, यहाँ पे हम बीच में टेप नहीं लगा पाए, लेकिन भाई इतना तो तुम समझ ही लोगे कि कौन सी साइड कौन सी है। राइट वाली है जो हमारी, ये वाली, ये हमारी हैगी अपनी टटल वैक्स, और ये वाली है वैक्स पोल की 2-in-1 क्लींजर प्लस पॉलिश जो भी है। अब इसकी वॉशिंग करेंगे, जोन सा लॉन्ग लास्टिंग तक टिकेगा वो सही है। ये देखो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है, मजेदार। इसी चीज के तो पैसे और ग्लोव्स के भाई। इसमें हम ना एक ना फर्स्ट वॉश, ना सेकंड वॉश, ना थर्ड वॉश कुछ नहीं करने वाले इसमें। मैं ये हमारा शैम्पू है, इसमें मैं एक ही बारी में रगड़ के इसको साफ कर दूंगा, क्योंकि बार बार चक्कर बेकार है, पर लूंगा दोनों को बराबर। तो भाई फर्स्ट वॉशिंग के बाद तो अपनी बात बन नहीं पाई थी, तो हमने सेकंड वॉशिंग फिर दोबारा कर ली, दोबारा से शैम्पू लगाया, दोबारा वॉशिंग करी है अच्छे से इस बार करा। अब तो इस बार मैं दिखा दूँ आपको, देखो इस वाले एरिया पे अगर दिख रहा हो तो पानी पूरा रखा हुआ है, और जो हमारा ये एरिया, इस एरिया पे क्लीन हो रहा है पानी, दिख रहा है आपको, यहाँ से पानी सारा क्लीन हो रहा है। देखो बीच बीच में पानी नहीं है, ये हमारा टर्टल वाला हिस्सा, और ये थ्री ये वाला सॉरी वैक्स पोल वाला है, पकवास प्रोडक्ट है, बिल्कुल फेल जीरो। जो भाई अपने टाइम पहले नहीं होंगे शायद ये, शायद टर्टल वगैरह या फिर 3M फॉर्मूला उस टाइम पे जब यूज़ करते होंगे, लेकिन इस कंपनी ने इम्प्रूवमेंट नहीं करी अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल भी। तो भाई आपको अब टर्टल का रिव्यू देखना है तो टर्टल का रिव्यू मैंने इसी वीडियो के एंड में डाल दिया, आप चेक कर सकते हो, फुल डिटेल वीडियो बना दी है।